गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। देखो, जैसे कि आप सभी जानते हो, हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनामिक्स की। थर्मोडायनामिक्स में हम हीट को लेके कंसीडर करते हैं कि हीट जो है वो किस तरह से, या एनर्जी चेंज किस तरह से अफेक्ट करता है हमारी सिस्टम को या हमारी रिएक्शंस को। तो उसी में हमने हीट का एक नया टर्म पढ़ा था, एंथैल्पी। ठीक है, उसी एंथैल्पी को लेके हम आज आगे प्रोसीड करेंगे। कल देखो, आपने एंथैल्पी के टर्म को अच्छे से समझा था कि एक्चुअल में एंथैल्पी क्या होती है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या होती है, किन कंडीशंस में हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी मेजर करते हैं। ठीक है, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की जो अपनी नेचुरल अकेयरिंग स्टेट में है उसकी एंथैल्पी ज़ीरो होती है। ये सारी चीज़ें हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की हैं। आज हम उसी एंथैल्पी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और हम बात करेंगे कि फेस ट्रांसफॉर्मेशन में किस तरह से एंथैल्पी या एनर्जी का चेंज होता है। देखो, फेस ट्रांसफॉर्मेशन समझते हो आप, जैसे कि स्टेट्स हैं। आप जब भी स्टार्ट करते हो, आपने केमिस्ट्री स्टार्ट किया था, अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी आपने देखा कि जनरली जो हमारे सब्सटेंस है वो जनरली तीन स्टेट में देखने को मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वही हमारी मेन थ्री स्टेट्स हैं। उन थ्री स्टेट्स के बीच में किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यानी वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक ही सब्सटेंस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन में किस तरह से एंथैल्पी में चेंज हो रहा है, उस चीज़ को हम देखेंगे। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो वाटर का, ये हम एग्जांपल लेते हैं। वाटर एग्जिस्ट करेगा हमारी तीनों स्टेट में। ठीक है, वाटर वेपर के फॉर्म में वो स्टेट करता है, आप कह सकते हो गैसियस फॉर्म में। ठीक है, और लिक्विड फॉर्म में वो वाटर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और अब सॉलिड में आप उसको आइस की फॉर्म में देख सकते हो। तो इस तरह हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं, वो तीनों स्टेट्स में हमें देखने को मिलता है, तीनों स्टेट्स में ट्रांसफॉर्म होता है। इन तीनों स्टेट्स में ट्रांसफॉर्मेशन में हीट या एंथैल्पी में चेंज किस तरह से होता है, तो देखो समझते हैं इस चीज़ को। एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, फेस ट्रांसफॉर्मेशन हमने वैसे तो समझ लिया कि स्टेट्स का चेंज होना, एक ही सब्सटेंट का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफॉर्म होना फेस ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। फेस ट्रांसफॉर्मेशन आर द फिजिकल प्रोसेसेस, ओके, ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन द बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर। फेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? फिजिकल प्रोसेस है। देख सकते हो आप उन प्रोसेस को, फिजिकल प्रोसेस है, कोई केमिकल चेंज नहीं होता है। ठीक है, आपका वाटर है, उसका फॉर्मूला वाटर ही रहेगा, चाहे वो सॉलिड में हो, लिक्विड में हो या गैसियस फॉर्म में हो, केमिकल प्रोसेस नहीं हो रहा, वो फिजिकल प्रोसेस है। ओके, उसमें ट्रांजिशन होता है बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसे कि देखो, हम यहाँ चार्ट में देख सकते हैं, यहाँ गैस है, सॉलिड है आपका और लिक्विड है। गैस से आप लिक्विड में जा रहे हो, तो आप क्या करते हो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, आप उसे कंडेंस करते हो, कंडेंसेशन यहाँ करते हो। फिर उसी लिक्विड को अगर आपको फिर से गैस में कन्वर्ट करना है, तो ऑब्वियसली वेपराइजेशन करना होता है। ओके, ये दोनों प्रोसेस पैरेलल चल सकती हैं। फिर आप लिक्विड पर आए, लिक्विड को आपको सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो आपको फ्रीज करना होगा उसे, करते हैं ना हम आइस को फ्रीज। फिर सॉलिड को आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो यू हैव टू मेल्ट द सॉलिड। फिर उसके बाद अगर आप देखो गैस की बात करो, गैस को आप सॉलिड में कन्वर्ट करना है, गैस को सॉलिडिफाई करना है, तो आपको क्या करना होता है, उसको गैस को डिपॉजिट करना होता है। समझ में आ रही है चीज़? ये आप सरफेस केमिस्ट्री में 12th क्लास में देखोगे, डिपोजिशन या गैस का सॉलिड पर जमा होना। ठीक है, अब आप बात आती है सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने की, तो ऑब्वियसली सब्लिमेशन करते हो, सब्लिमेट आप उसे करते हो। ओके, ये सारे फेस ट्रांसफॉर्मेशन की एग्जांपल है। अब इन फेस ट्रांसफॉर्मेशन में एनर्जी इन्वॉल्व होती है। ओके, उसी इन्वॉल्व एनर्जी को हमें देखना है। फेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो इन्वॉल्व एनर्जी चेंजेस। ऑब्वियसली एनर्जी चेंज होगी, तभी तो एक फेस से दूसरे फेज में जाएगा। मान लो कि आपने किसी पर्टिकुलर सॉलिड को फ्यूज़ करने के लिए लिक्विड, आपने मेल्ट करने के लिए लिक्विड में कन्वर्ट किया, आपने उसको एनर्जी से प्रोवाइड कराई। ठीक है, तो वो एनर्जी उसने अपने अंदर स्टोर की और वो लिक्विफाई हो गया। फिर उसके बाद उस स्टोर्ड एनर्जी को वो अपने लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में जाने के लिए उस स्टोर्ड एनर्जी को क्या करेगा, सॉलिडिफाई करना, एनर्जी वो अपना सराउंडिंग में रिलीज करेगा। तो इस तरह से पैरेलल ये रिएक्शन चलती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, फर्स्ट एनर्जी चेंज है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, फ्यूज करना, इट मींस मेल्ट करना, मेल्टिंग के लिए हम ये देखेंगे। एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल, ध्यान में रखना, व्हेन वन मोल ऑफ अ सॉलिड फ्यूज इन स्टैंडर्ड स्टेट। ओके, स्टैंडर्ड स्टेट समझते हैं सभी, कल भी हमने स्टैंडर्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए देखा था स्टैंडर्ड स्टेट, 180 प्रेशर, 273 केल्विन टेम्परेचर। और अगर आप लिक्विड स्टेट में बात कर रहे हो, तो वन मोलर कंसेंट्रेशन, यहाँ पर लिक्विड नहीं है, आप सॉलिड की बात कर रहे हो, तो आप टेम्परेचर और प्रेशर देखोगे यहाँ।
ओके तो वन मोल सॉलिड जब फ्यूज होता है, मेल्ट होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो उस टाइम जो एंथैल्पी चेंज होता है उसे आप नाम देते हो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ये चीज़ ध्यान में रखना, वन मोल लेकर चलेंगे हम, और इस एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को हम नाम दे सकते हैं मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इससे मोलर एंथैल्पी भी कहेंगे क्योंकि एक मोल की आप बात कर रहे हो। ये चीज़ क्लियर होती है। अब इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, एंड ऑब्वियसली स्टैंडर्ड कंडीशन है तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी वाला साइन होगा आपका, कौन सा होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी वाला साइन, डेल्टा एच नॉट। ओके अब आपको कैसे पता चलेगा कि फ्यूजन की एंथैल्पी है, तो आप क्या करने वाले हो, यहाँ पर एफ यू एस फ्यूज लिख दो, तो आपको ये डिनोट करेगा कि वन मोल सब्सटेंस की फ्यूजन एंथैल्पी है। ओके तो यहाँ हमने लिखा है इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एच नॉट फ्यूजन। ओके फिर उसके बाद देखो वाटर का एग्जांपल लिया, वाटर सॉलिड था लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। ओके क्या किया आपने, फ्यूजन किया, यहाँ पर फ्यूज कर रहे हो आप इसको, या मेल्टिंग भी लिख सकते हो, मेल्ट किया। तो एक मोल वाटर का सॉलिड से लिक्विड में फ्यूज होने के लिए जो एंथैल्पी इसको चाहिए थी कितना था उसका अमाउंट, 6 किलो जूल पर मोल, वन मोल वाटर के लिए ये चीज़ फिक्स है। ये 6 किलो जूल पर मोल आपने इस सॉलिड को दी तभी ये लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। ओके अब इसने, इस लिक्विड ने अपने अंदर इस एनर्जी को क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। सेम रिवर्स प्रोसेस होगी जब ये लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में, इट मीन्स कि ये फ्रीज होगा तब ये अपने अंदर स्टोर इस एनर्जी के अमाउंट को सराउंडिंग में रिलीज कर देगा और प्रोसेस क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। क्लियर होती है चीज़, ये अमाउंट इसके पास स्टोर है जब ये फ्यूज़ हुआ, इसको इतना एनर्जी अमाउंट मिला एंथैल्पी, इसको इसने अपने अंदर स्टोर किया और रिवर्स प्रोसेस में यानी इसको लिक्विड से सॉलिड में जाने के लिए इस एनर्जी को ये क्या कर देगा, रिलीज कर देगा सराउंडिंग में और सॉलिडिफाई हो जाएगा यानी ये फ्रीज हो जाएगा। क्लियर होती है चीज़। तो ये तो था फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी। अब हम फ्यूजन के बाद हम देखेंगे, फ्यूजन यानी मेल्टिंग, इसके साथ साथ हमने फ्रीजिंग के लिए देख लिया रिवर्स है, उतना ही अमाउंट चाहिए सिर्फ रिलीज करना है सराउंडिंग में, ठीक है। फिर उसके बाद आपको हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन देखनी होगी, यानी गैस लिक्विड को आपको गैस में वेपोराइज करना है। ओके सेम रिवर्स एनर्जी हो जाएगी, वेपोराइज आप इतनी एनर्जी जब वो फिर से ये गैस लिक्विड में कंडेंस होगी तो इतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर देगा सराउंडिंग में, ठीक उसी तरह गैस सॉलिड जो है वो सब्लिमेट, गैस जो है वो सब्लिमेट होगी सॉलिड में कन्वर्ट होगी, सॉलिड सब्लिमेट होगा गैस में कन्वर्ट होगा, डिपोजिशन होगा, तो इतना ही अमाउंट जो है वो एंथैल्पी का रिलीज होगा या गेन किया जाएगा, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे, आप इसे नोट डाउन कर लो। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन की अगर बात करें तो वेपोराइज होना इट मीन्स कि किसी लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, तो उस एक मोल लिक्विड की स्टैंडर्ड कंडीशन में गैस में कन्वर्ट होने के लिए जितनी एनर्जी उसमें उसको चाहिए थी उसको आपने नाम दिया हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइज हो गया, ठीक है हीट लेकर। अब उस वेपोराइज होने के लिए जो उसने एंथैल्पी चेंज जो था उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब रखा उस गैसियस फेज ने, उस वेपोराइज फेज ने, फिर उसके बाद वेपोराइजेशन के बाद अगर उसे फिर से लिक्विड में कन्वर्ट होना है बाय द कंडेंसेशन प्रोसेस, तो वो क्या करेगा, वो जो वेपोराइज फेज है वो उस अमाउंट ऑफ हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब रखी हुई है जिससे उसने उसे सराउंडिंग में रिलीज कर देगा और फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आती है, तो हम कह सकते हैं सिंपल सा एक्सप्लेनेशन होगा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपोराइज वन मॉल ऑफ अ लिक्विड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। ओके एक मोल लिक्विड को स्टैंडर्ड कंडीशन में वेपोराइज होने के लिए जो हीट आपको चाहिए थी उसको आपने नाम दिया एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, या आप उसको मोलर वेपोराइजेशन एंथैल्पी भी कह सकते हो। यहाँ देखो वाटर के लिए दिया हुआ है कि वाटर लिक्विड फेज में था, आपने गैसियस फेज में उसको वेपोराइज कर दिया, तो जितना अमाउंट आप एंथैल्पी का चेंज हुआ वो 40.79 किलो जूल पर मोल के अकॉर्डिंग था, ठीक है पॉजिटिव में है ये वैल्यू स्टैंडर्ड एंथैल्पी की, और जब ये रिलीज कर देगा तो नेगेटिव में आ जाएगी, यानी कि जब ये गैस फेज जो है लिक्विड में जाने के लिए कंडेंसेशन करेगी तो यही अमाउंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक उसी तरह आप सब्लिमेशन देख सकते हो, सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होना, यहाँ आइस के लिए सब्लिमेशन एंथैल्पी इन्होंने दिया है कि जो सॉलिड, सॉरी आइस नहीं, ये ड्राई आइस है, ठीक है CO2 सॉलिड फेज में है, ये CO2 गैसियस फेज में आने के लिए जितनी एंथैल्पी इसको चाहिए उसे हम क्या नाम देते हैं, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन या मोलर सब्लिमेशन एंथैल्पी। ओके इसका अमाउंट यहाँ पर दिया है 25.2 किलो जूल, ये पॉजिटिव में है, और फिर उसके बाद अगर ये गैस जो है वो सॉलिड में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट होगी, तो उस प्रोसेस को हमने नाम दिया है अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्ब करेगी ये, तो उस टाइम पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा।
ये चीज़ क्लियर होती है। अब एक चीज़ ध्यान में रखो कि ये जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है, इसका जो अमाउंट है फेस ट्रांसफॉर्मेशन में एंथैल्पी चेंज का जो अमाउंट है वो डिपेंड करता है कि किसी पर्टिकुलर फेज में मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन है। पढ़ के आए आप इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कि अगर हम बात करें लिक्विड वाटर की ही बात कर लेते हैं हम, ठीक है, H2O लिक्विड फेज में है, ओके, यहाँ पर कौन सा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? ऑब्वियसली हाइड्रोजन है, साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। देखिए हमने वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ देख सकते हैं उसको, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। वाटर जब लिक्विड फेज में होगा तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अमाउंट ज़्यादा होगा, ये चीज़ समझ में आई। तो इसलिए आपको इस लिक्विड वाटर को वेपोराइज करना है तो आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चाहिए होगा यहाँ पर, ये चीज़ ध्यान से सुनो, एज कम्पेयर टू उन लिक्विड्स के जिनके अंदर क्या है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं है या इसके कंपेयर में कम है। जैसे कि देखो अगर हम बात करें एसीटोन, एसीटोन क्या है, फॉर्मूला जानते हैं सभी, ये एक सॉल्वेंट है, ठीक है, फॉर्मूला मैं बता देती हूँ, ये एसीटोन का फॉर्मूला है। यहाँ पर आपको क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है? नहीं मिल रही। ऑक्सीजन तो है इसके पास, इस तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं कि हाइड्रोजन को ये अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। तो ये एसीटोन है, जब ये लिक्विड स्टेट में होगा, वाटर भी लिक्विड स्टेट में है, ये एसीटोन है, बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, लैब में होता है, ये भी लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, बट इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। हो सकता है कि इसके जो लिक्विड स्टेट में इसके पास दूसरा ऐसा ही एसीटोन का मॉलिक्यूल हो, वो इसे वीक डाइपोल अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर रहा हो, बट इतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड की तरह वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। दैट्स वाई ध्यान में रखो यहाँ बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हायर है वाटर में, तो वाटर को आपको वेपोराइज करने के लिए ज़्यादा एंथैल्पी चाहिए होगी एज कम्पेयर टू एसीटोन या ऐसे लिक्विड जिनके पास इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का अमाउंट वाटर के कंपेयर में कम है। तो समझ में आ गई ये चीज़, हमारा जो एंथैल्पी चेंज है डिफरेंट फेजेस में वो डिपेंड करता है किस पर, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ओके। तो इस तरह आज हमने सीखा कि कैसे हम डिफरेंट एक ही सॉलिड की सॉरी एक ही सब्सटेंस की डिफरेंट फेजेस में चेंजेस होने पर एंथैल्पी में होने वाले चेंज को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये चीज़ हमने देखी। और हमने सीखा कि ये जो एंथैल्पी चेंज है वो डिपेंड करता है इन मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर, ओके। तो तीन तरह के हमने एंथैल्पी देखी, उन तीनों एंथैल्पी से हमने एक एक डिफरेंट एंथैल्पी और देखा जिसका नेगेटिव वैल्यू था, वो अपनी उसी फेज से दूसरी फेज में कन्वर्ट हो रहे थे। तो इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो आपको क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का ही इंडेक्स क्वेश्चन है, उसको देख लो तो आप अच्छे से समझ जाओगे कि किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एंथैल्पी में होने वाले चेंजेस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।